हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये हार्ट शेप डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसी में आज आपको 24 फंदे से बनाना बताऊंगी। 24 फंदे में भी ये काफ़ी बड़ा ही बनकर तैयार हो जा रहा है, क्योंकि इसे मैं पुरानी साड़ी से बनाई हूँ और बाद में इसमें इस तरह से फंदे भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। आप इस डिज़ाइन को ऊन से, कपड़े से, कुछ भी अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ बना सकते हैं, जैसे टेबल मेट, थालापोश, डोरमेट, कुछ भी बहुत ही प्यारा लगता है। मैं इस डिज़ाइन को ऊन से भी बनाना बताई हूँ और आज मैं इसे आपको पुरानी साड़ी से बनाना बता रही हूँ। तो इस ये डिज़ाइन देखिए जितने खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही आसान है बनाना भी, और देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से ये बनकर तैयार भी हो जाता है। और इस डिज़ाइन को समझने के लिए सिर्फ आपको ये एक कली इसमें कैसे बनी है उस बात का आप ध्यान देंगे और अच्छे से देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम तरीके को आप बार बार इसमें रिपीट करते जाइएगा तो ये डिज़ाइन पूरा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ये दो कली इस कलर से, दो कली इस कलर से, दो कली इस कलर से, सेम तरीके से ही सारे बने हुए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इस डिजाइन को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। तो इसे बनाने के लिए देखिए ये 7 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये देखिए पिंक कलर के कपड़े से बनाऊंगी, तो इसी से मैं 24 फंदे ले लेती हूँ पहले। सारे फंदे ऐसे ही ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 24 फंदा ले लिए हैं। अब देखिए जैसा कि डिजाइन में बढ़ा हुआ है तो वैसे ही यहाँ से हम लोग फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पहले फंदे को दो बार बिन देंगे और धागा सामने लाके बाकियों को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। तो एकदम इसे यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे अंत में यहाँ पे हम लोग दो फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से धागा को पलट देते हैं, इस साइड्स में सबको उल्टा बिनते हुए एकदम यहाँ तक बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में यहाँ पे जो एक फंदा बढ़ाए थे उसे भी बिन लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए फिर से सामने वाले फंदे को दो बार बिन के यहाँ फंदा बढ़ाना है। आपको जिस तरीके से भी फंदा बढ़ाना आता है पहले से, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं या फिर जिस तरह मैं बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए फिर यहाँ से बाकी फिर से उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे और फिर से यहाँ पे दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। इस वाले डिज़ाइन में दो फंदा करके ही छोड़ते जाना है। और यहाँ पे सामने में देखिए दो फंदा बढ़ाए हैं और हम लोग इसी तरह से चार फंदा बढ़ा लेंगे। कुल मिला के 6 फंदा बढ़ाना है, तो 24 लिए थे, 6 बढ़ाए, तो 30 फंदे का ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से नॉट आ रहा है तो इसे पीछे कर देते हैं। इस तरह से बाकियों को बिन लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से YouTube पे काम कर रही हूँ और बहुत सारे डिज़ाइन अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप उसमें से कोई भी डिज़ाइन और फिर से रिपीट चाहते हैं कि मैं बताऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसी डिज़ाइन पे जाके चेक करके कि हमको ये वाला फिर से एक बार बता सकते हैं, ज़्यादा फंदे में या कम फंदे में। आपका जो भी रिक्वेस्ट रहेगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे इस साइड में यहाँ पे फिर से ये दो फंदा छोड़ देते हैं, तो सेम तरीके से यहाँ पे और चार फंदा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए 6 लाइन यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए, पहले हम लोग यहाँ बढ़ा रहे थे, अब यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, सिंपल इसे बिन देंगे। और इधर से जो दो फंदा छोड़ रहे हैं उसे कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग 24 फंदा लिए थे तो इसमें 24 फंदा तक इसी तरह कंटिन्यू दो फंदा करके छोड़ते जाएंगे। और यहाँ जो बढ़ा रहे थे अब हम लोग यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए यहाँ पे, इधर से दो फंदा यहाँ ये हम छोड़ दिए हैं।
देखिए अब इस साइड से बुनते हुए फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे ये सिंपल एक लाइन बनाए वैसे ही और पांच लाइन बना लेते हैं। उसके आगे बताएंगे फिर कि ये राउंड शेप में कैसे आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स बुनते हुए इतना कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये छह लाइन हम लोग सिंपल बना ली, इसमें कोई फंदा बढ़ाए भी नहीं, और इधर से ये 24 फंदा तक छोड़ दिए। अब इस वाले लाइन में देखिए ये जो छह फंदा बढ़ा हुआ था यहाँ पे उन्हें पहले बिनेंगे, और इधर 24 फंदा जो है उसमें से 12 फंदा को साथ में लेकर बिनेंगे। तो 18 फंदा इसे बिन लेते हैं। जितना भी फंदा लेंगे उसका हाफ लेना है, और जितना बढ़ाएंगे उसे साथ में लेकर के इस लाइन में बिन देना है। दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए बिन लिए यहाँ पे 18 फंदा, इधर में जो 12 फंदा है उसे छोड़ देंगे, और यहीं से धागा पलट के फिर से ऊपर साइड में चले जाएंगे इसको बिनते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स आ गए इसके ऊपर साइड में बिनते हुए। अब देखिए पहले जो हम लोग 6 फंदा यहाँ बढ़ाए थे अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पहले के दो फंदे को साथ में इस तरह से लेके बिन देंगे और बाकियों को बिनते जाएंगे इस तरह से। और इधर में जो 12 फंदा हम लोग का छूटा हुआ है यहाँ तक, इसमें से ये दो फंदा साथ में लेकर के बिन देंगे, तो इसे वहाँ तक बिन लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ तक बिने हैं, ये दो फंदा को साथ में लेकर बिनना है। यहाँ पे गैप है तो यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे और इन दोनों को साथ में लेकर बिन देंगे। इस तरह से इसके बाद कैसे बिन के यहीं धागा पलट देंगे, उल्टे साइड से भी बिनते हुए एकदम ऊपर तक बिन लेते हैं। ऐसा ही हर बार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स आगे इसके ऊपरी साइड में फिर से सेम करेंगे, फिर से यहाँ पे दो फंदा को साथ में लेकर के बंद कर देना है, इस तरह से घटा देना है, और बाकी को फिर से उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे, और इधर से यहाँ पे दो फंदा फिर से साथ में लेकर के बिन देंगे यहाँ पे। इसी तरह से देखिए अभी दो फंदा घटाए हुए हैं, ऐसे ही और चार फंदा घटा लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ। इधर में जो दो दो फंदा छूटा हुआ है सारे बिन आ जाएगा। लास्ट वाला लाइन दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स घटा लिए, अभी लास्ट का एक फंदा रह गया घटाने को, तो इसे भी कर लेते हैं। ये देखिए घटा दिए, अब इसे बिन लेते हैं एकदम अंत तक। ये देखिए आगे अंत के सारे फंदे यहाँ बिन लेते हैं। इस साइड से भी बिनते हुए यहाँ पे वापस चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आगे इसके ऊपर साइड में, अब देखिए सेम अब यहाँ पे जैसे शुरुआत में किए थे, छह फंदा बढ़ाए फिर छह लाइन में कोई फंदा यहाँ नहीं बढ़ाए, वैसे ही फिर से सेम कली को यहाँ पे एक और बना लेना है। यहाँ से बढ़ाना शुरू कर देंगे और इधर से फंदे छोड़ेंगे इस तरह से। तो सेम कली को एक यहाँ बना लेंगे, फिर दो कली बनने के बाद यहाँ से कलर लगा लेंगे। ऐसे ही इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अंत में हम लोग यहाँ पे फंदे कैसे बंद करेंगे वो मैं बताऊंगी। तो देखिए कैसे हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से चैन की तरह दिख रहा है। तो ये हम फंदे बंद कर लिए हैं यहाँ तक, इसलिए इस तरह का चैन दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग फंदे बंद करना बता रहे हैं।
ये देखिए इस तरह से दो फंदा को साथ में लेकर के बिन देना है, इस तरह से। और फिर से इस फंदे को इसी कांटे पे कर देना है, फिर से दो फंदा को साथ में लेकर के बिन देना है। इसी से देखिए इस तरह से चैन की तरह दिख रहा है और फंदे बंद होते जा रहे हैं। सारे फंदे इसी तरह से बंद कर लेना है अंत में। ये देखिए ये यहाँ तक के सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसे कट कर देंगे और इसमें से निकाल देंगे इसे।